दादाजी तो खुद के लिए बताते थे, उनको ज्ञान हुआ, बाद में 4 साल तक दिन रात एक एक फ्री टाइम मिला तो एक एक व्यक्तियों के साथ जो हुए राग द्वेष अभाव तिरस्कार कुछ न कुछ, उनके तो बहुत बड़े स्वरूप से नहीं थे, बहुत छोटे स्वरूप से सूक्ष्म भाव भी बिगड़े बचपन से लेके आज तक, एक एक दोष को याद करके करके धोते गए। वो बताते थे कि मेरे मन में आपके लिए भाव बिगड़ा तो आपके लिए, आपके मन में मेरे लिए भाव बिगड़े ला रहा रहेगा, और मैं यहाँ प्रतिक्रमण करके दो डालो तो आपके मन में मेरे लिए नेगेटिव भाव गिर जाएगा। तो हमारा तरफ से जितने भी पॉसिबल एक एक व्यक्तियों को याद करके राग द्वेष मोह सब दो डालो। धोते 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 सब फाइल क्लियर हो गई तो मोक्ष के लिए कोई रोक नहीं सकेगा, दूसरे को दूषित देखना बंद कर देगा। व्यवस्थित की आज्ञा ऐसी है, उसने ऐसे क्यों किया, तुरंत जागृति आएगी, नहीं शुद्धात्मा ऐसा करेगा नहीं। और प्रकृति का भरा हुआ माल निकलता है, चंदू की प्रकृति का भरा हुआ माल, उसमें वो खुद दूषित नहीं है, शुद्धात्मा भी दूषित नहीं, चंदू भी दूषित नहीं, क्योंकि चंदू की प्रकृति में से निकला माल पूर्व भो में चार्ज किया था, अभी डिस्चार्ज में कोई गुनहगार नहीं। ऐसी जागृति रखने से हुआ सुव्यवस्थित और रियल में शुद्धात्मा, तो तुरंत निर्दोष दृष्टि रहेगी, और निर्दोष दृष्टि रही तो राग द्वेष के तार सब टूट जाएंगे, तो फाइलों से हम छूटते जाएंगे। ये 5 आज्ञा बहुत बड़ी चाबी है, एक एक हर एक प्रसंग में हर एक अवस्था में हम ज्ञान अप्लाई करेंगे ताकि दोष भी छूटते जाएंगे, व्यक्तियों के साथ हिसाब भी छूटते जाएगा, और भीतर से मुक्ति का अनुभव बढ़ेगा धीरे धीरे। एक दिन में कई सब प्रकार के दोष खत्म नहीं होंगे, कुछ सब टकराव कभी आ जाएगी, कुछ डिसकम्फर्ट डिसएडजस्टमेंट आ गया तभी ये ज्ञान अप्लाई करना है। नॉर्मल व्यवहार किसी को दुख न हो ऐसे व्यवहार में तो सब रहेगा जागृति, और जब टकराव हो गए कुछ दबाव आ गया प्रकृति का, कुछ मनमानी नहीं हुई, मन अपसेट हो जाएगा, सामने वाला भी कुछ क्रोध करेगा अपमान करेगा, तब ज्ञान का टेस्टिंग करना है, तभी ज्ञान अप्लाई करना है, नई फाइल है संभाव से निकाल करना है। इसे धीरे 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 ज्ञान का सेटिंग करते जाएंगे, उसमें हेल्प हमें विधि से बहुत हेल्प हो जाएगी, चरण विधि है, नवकल में है, नमस्कार विधि है, सब हमें बहुत ज़्यादा पावर भरती है जागृति का। विधि वांछन सामयिक प्रतिक्रमण, तो वांछन में दादाजी की किताबें ज़रूर पढ़ेंगे, आप्तवाणियाँ, बाद में छोटी बहुत सारी किताबें रिप्रिंट हो चुकी है, ट्रांसलेशन हो चुकी है, तो वो भी पढ़ेंगे। निज दोष दर्शन से निर्दोष प्रतिक्रमण, भुगतता है उसकी गलती हुआ सुन्याय, अच्छी अच्छी किताबें हैं। और बाद में कम से कम रोज निश्चय करने का, दादाजी की 5 आज्ञा में रहना है, और कुछ टाइम निकालना रात को सोने से पहले 5 आज्ञा में रहने की, कहाँ भूल चुक हो गई, सभी के शुद्धात्मा देखे नहीं देखे तो वापस रीसेट करो, नहीं शुद्धात्मा देखना ही है, किसी को दोष देखे कर्ता देखा तो भी प्रतिक्रमण करके वापस निर्दोष देखो अकर्ता देखो, संभाव कहाँ रहा राग द्वेष कहाँ हुए वापस रीसेट करो, अपने संभाव से निकाल ही करना है, फाइल समझना है, निर्दोष देखना है, राग द्वेष नहीं होने देना, हो गया तो प्रतिक्रमण करो। तो कम से कम 10-15 मिनट रोज रात को निकालनी, 5 आज्ञा कहाँ भूल चुक हो गए, और 5 आज्ञा कौन चुकाने वाला है, क्रोध मान माया लोभ अहंकार ममता मोह सब दोष ही आज्ञा को पालन नहीं करने देते हैं। वो भरा हुआ माल बोला जाता है, डिस्चार्ज प्रकृति का माल डिस्टर्ब करते रहता है। किसी को दुख पहुंचाया तो उसके प्रतिक्रमण करेंगे, और
थोड़ा ज़्यादा स्टडी कर, जिसको जल्दी प्रगति करनी है तो और भी थोड़ा डेप्थ में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि ये कहाँ, किसके वजह से ये गलती हुई, क्यों ये आदमी के साथ बार बार टकराव हो जाती है, क्योंकि उनके लिए कुछ नेगेटिव अभिप्राय हमारे पास होएगा। कुछ एक बार कुछ गलती हुई तो मन बुद्धि हमारी पकड़ लेती, देखो ऐसा है, झूठा आदमी, बार बार झूठ बोलता है, हमें तकलीफ में डाल देता है, तो ये बुद्धि नेगेटिव अभिप्राय देती है और उसके वजह से वो व्यक्ति के साथ अभाव वाला, तिरस्कार वाला, द्वेष वाला व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। तो हम सामायिक में ये देखेंगे हमारे अभिप्राय व्यक्तियों के लिए कितने गए, कितने नेगेटिव अभिप्राय है, तो उसके प्रतिक्रमण करेंगे और अभिप्राय छोड़ते जाने का। संजोगाधीन आदमी ने किया उसका क्या दोष, संजोग उस टाइम पे जैसे थे उसका व्यवहार हो चुका, रोबी भरा हुआ माल है प्रकृति का, हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे ज्ञान का सेटिंग करते जाएंगे, शुद्धात्मा देखेंगे, रिलेटिव में निर्दोष देखेंगे, ऐसे करके हमारा विधि वांछन सामायिक प्रतिक्रमण सेट करते जाएंगे। और दादावाणी मैगजीन भी मंगवा लो, उसमें भी सत्संग की कुछ न कुछ बातें हमें सत्संग के लिए काम आएगी, जागृति के लिए काम आएगी। चलो थोड़े से कुछ प्रश्न लेंगे ताकि आध्यात्मिक दृष्टि से पांच आज्ञा से दादाजी का ज्ञान कैसे अप्लाई करें समझ में आ जाए। पुष्पा सर्वैया। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। दीपक भाई, मुझे मोह और प्रेम के बीच में क्या अंतर है वो पूछना है। मोह में आसक्ति होती है और प्रेम में वितरागता रहती है। मोह में तो हमारे साथ अच्छा वर्ताव किया तो हम राग करेंगे, बुरा वर्ताव किया तो द्वेष करेंगे, और प्रेम वाले का व्यवहार ऐसा होता है, उसने अपमान किया तो भी उतना ही प्रेम, मान दिया तो भी उतना ही प्रेम। मान देने से प्रेम बढ़ नहीं जाता और अपमान करने से प्रेम घट नहीं जाएगा, उसको प्रेम बोला जाएगा। और मोह वाले को आसक्ति रहती है, अपमान किया तो आसक्ति उतर जाएगी और अपमान दिया तो आसक्ति बढ़ जाएगी, राग द्वेष बढ़ते हैं। यहाँ राग द्वेष नहीं रहते, वितरागता रहती है। मोह में अपेक्षा नहीं है, दोष देखने की दृष्टि नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। और आप मोह में तो बहुत अपेक्षा, और अपेक्षा पूरी नहीं हो गई तो उतना ही द्वेष हो जाता है। मेरे लिए क्या किया, बस मैंने तो तेरे लिए मेरी जात दे दी, सारी जिंदगी दे दी, तूने मेरे लिए क्या किया, अपेक्षा रहती है। दादाजी की है मोह की, निरुमा की कैसेट में बहुत बातें आती है, मोह और प्रेम की बात बहुत मिलेगी। और दीपक भाई, सक्सेस तो मिला है लेकिन फिर भी आत्मविश्वास की कमी बहुत लगती है। वो फाइल वन में कचरा है देखने का, हम जुदा रखेंगे तो धीरे धीरे नॉर्मलिटी आ जाएगी। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद। बोलिए। पूज दीपक भाई, आपके चरणों में सत्सत नमन। मेरा प्रश्न यह है कि आज जो हमारे साथ वर्तमान में हो रहा है वह पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप निश्चित है, तो अगर इस निश्चितता के वर्तमान और भविष्य के कर्मों को बदला जा सकता है कर्मों के द्वारा? नहीं, एक्चुअली पूर्व कर्म का फल यानी डिस्चार्ज कर्म, कर्म फल डिस्चार्ज में है और कर्म फल चेंज नहीं होता है। कर्म फल के टाइम अजागृति से भुगतना ज़्यादा होता है, जागृति में रहेगा तो भुगतना कम होएगा, और एग्जैक्टनेस में रहोगे तो भुगतना 0%। फल में कोई चेंज नहीं होगा मगर सफरिंग में बहुत चेंज हो जाएगा। तो फिर जो हम अगर जो भी करेंगे तो फिर उससे कुछ बदलाव नहीं आना, तो करने का फ़ायदा क्या? क्या करने की बात करते हो? जैसे कोई भी कर्म हम करते हैं उससे, मगर वो तो डिस्चार्ज में है। नहीं, एक बार खाना खाया बाद में उसमें आप क्या चेंज कर सकते हो, वो डिस्चार्ज होके ही रहेगा। अभी आपको तबीयत बराबर नहीं लगती है तो खाना सुधारो, बाकी डिस्चार्ज तो गया मुंह में अंदर, तो कुछ नहीं चेंज कर सकते हो। ऐसे ये कर्म बीज डाल दिए है तो उसका कोई चेंज नहीं हो सकेगा। बदलाव तो हम नया, जैसे परीक्षा में परीक्षा दे दी लड़कों ने, बच्चों ने, बाद में रिजल्ट के दिन कुछ चेंज होएगा?
नहीं, परीक्षा का दिन, परीक्षा देने से पहले उसने अच्छा लिखना चाहिए था। जो भी लिखा उसका अभी कोई चेंज नहीं होएगा, परीक्षा का रिजल्ट में नहीं चेंज हो सकता। ऐसे ये लाइफ जन्म से लेकर मृत्यु तक रिजल्ट है, चेंज होता है। नई परीक्षा के लिए सुधारो, या तो नई परीक्षा नहीं देनी है तो फिर 5 आज्ञा में रहो, नई परीक्षा ये कुछ 0 तो फिर नया कर्म बंधा नहीं तो नया देह नहीं मिलेगा। वह जूझ कर्म 5 आज्ञा से बनते हैं, जो से महाविद्या क्षेत्र में हम जाएंगे वहाँ से मोक्ष मिलेगा। तो ये नई परीक्षा सुधारना वो मनुष्य का पुरुषार्थ है, कर्तव्य है। ये कर्मफल तो अभी हिस्ट्री में 60 आए, ज्योग्राफी में 75 आए, मैथ्स में 80 आए, कुछ नहीं चेंज कर सकते। अभी वीक है पेपर, उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो अच्छी। समझ में आता है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वे कर्म जो कर्म हमें करने में अच्छे लगते हैं हम करते हैं, लेकिन दूसरे को उससे हानि नहीं है लेकिन वे मना करते हैं, तो वैसे कर्म करने चाहिए या नहीं? हाँ, तो फिर चेक करो भाई आप मना क्यों करते हैं। कोई ऐसे एक कुदरत का संकेत है, वो निमित्त है और निमित्त ऑब्जेक्शन उठाता है, तो हमें चेक करना चाहिए कि भाई क्या गलती है और उसका समाधान करके बाद में आगे बढ़ो। और नहीं समाधान कर सकते तो रुको थोड़ा, भाई क्या बात है, भाई मेरी गलती है, मैं चेक करूँगा। भाव रखो कि उनको समाधान हो जाए, बाद में व्यवहार करें। समझ में आता है ना? और अब मैं तो 5 आज्ञा है, फाइल है, संभाव से निकाल करेंगे, ये जागृति में रहेंगे। पूज्य दीपक भाई, मैं आपसे अभी 3-4 घंटे पहले का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी आपकी चरण विधि के बाद थोड़ा घूमने के लिए सरखेज गया हुआ था, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर। तो वहाँ मैं गया और वहाँ पे ऑटो स्टैंड के पास पीछे से मुझे ऑटो वाले ने धक्का मारा, मैं बसते बसते गिर गया। और जैसे गिरा मेरे मन में आया मैं उठूँगा अभी, इसको एक लापड़ मारूँगा। वैसे उठ के मैं उसके पास गया तो पता नहीं क्या आया मेरे मन में, मैंने सोचा जो हुआ सो व्यवस्थित, और ये सब नियति का पहले से था। और मेरा मैंने कुछ हुआ ही नहीं, और मैं उसे बिना कुछ कहे आ गया। तब से मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति है, अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने अभी 24 घंटे पहले ही पहली बार ज्ञान लिया, इतना बदलाव मेरे अंदर इस तरह कभी नहीं आया, और ये कैसे हुआ ये नहीं समझ में आ रहा। चलो अच्छी बात है। कमल शर्मा, मुझे ना ज्ञान लेने के लिए 5 वर्ष हो गए हैं, और मतलब जागृति भी अच्छी रहती है, प्रतिक्रमण भी होता है, लेकिन अब ऐसा लगता है मतलब 1 वर्ष से मुझे ऐसा अनुभव होता है मतलब कि मेरे पास समय बहुत कम है। अरे आपके पास नहीं, सबके पास बहुत कम है समय जी। नहीं लेकिन मुझे मतलब पहले मतलब लगभग हो जाता था, लेकिन अब 1 वर्ष से ऐसा लग रहा है कि मतलब नौकरी भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का, आप नहीं छोड़ने का जी, आप तो काशीनाथ को छोड़ देने का जी, जुदा जी, काशीनाथ को बोलने का चलो नौकरी को जाओ। लेकिन दीपक भाई मैंने मतलब बहुत सारी मेहनत मैंने बंद कर दी, उसके बावजूद भी है ना घर बैठे मतलब, पहले मैं कोचिंग पढ़ाने के लिए 2-3 जगह जाता था, वो 3 चीज़ें छोड़ने के बाद घर में देखा तो पहले मतलब 70 बच्चे पढ़ाता था, अब 150 आते घर पे, तो वो पूरा टाइम और लग जाता है। हरकत नहीं, जाने दो, क्योंकि ये फाइल वन व्यवहार में रहेंगे और हम शुद्धात्मा में रहेंगे। दादाजी क्या बताते थे, एक आदमी दादाजी के, दादाजी मैं नौकरी छोड़ दूँ, नहीं आप नौकरी को पकड़ो मत और काशीनाथ को नौकरी छोड़ने का नहीं जी। आप शुद्धात्मा में रहो, काशीनाथ व्यवहार में रहेगा, वो नौकरी धंधा जो भी है पूरा करेगा, फाइल का संभाव से निकाल। हाँ कुदरत छोड़ेगी तब छूटेगा अपने आप, बाकी हमें छोड़ने का, कर्म पूरा होने दो अपने आप छूटते जाएगा क्या। दूसरा प्रश्न है कि मतलब मुझे मतलब रिलेटिव्स में बिल्कुल जाने की इच्छा ही नहीं होती है, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे चरण विधि वगैरह सब कुछ छूट जाता है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है मेरे को जाना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये रिलेटिव ये 2 नंबर का प्लेटफॉर्म है और रियल 1 नंबर का, दोनों ट्रेन जुदा जुदा ट्रैक पे है जी, दोनों मिक्स होने वाला ही नहीं। अभी रिलेटिव को निकाल करते जाओ और थोड़ा सेटिंग करो कि नहीं मुझे टाइम निकाल के चरण विधि कर लेनी है, तो टाइम मिल जाएगा जी। और आप काशीनाथ क्या करते हैं उसको देखो जानो, जुदा रह के वही आत्मा का धर्म है जी। प्रकृति को अटकाना रोकना वो प्रकृति रोकना वो आत्मा का धर्म नहीं, प्रकृति क्या कर रही है उसको जानना वो हमारा धर्म है। यानी चरण विधि नहीं हो पाई तो अलग चीज़ है, मगर हम टाइम का सेटिंग कुछ करेंगे ताकि हम हमारे पुरुषार्थ के लिए भी कुछ कर सकें, मगर सच्चा पुरुषार्थ तो ये काशीनाथ क्या करते उसको जानना सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है।
जी श्री मतलब पांच आज्ञा में रह के संभाव से निकाल करो तो दादाजी की आज्ञा में हो तो दादाजी के आशीर्वाद बढ़ेंगे आपको। जैसे कर्मफल जब आते हैं मतलब कोई मतलब प्रताड़ित करता है कुछ होता है तो अंदर से भाव ऐसे ही रहते हैं कि इसको भी कष्ट मिलेगा जब इसको समझ में आएगा मतलब ऐसे हो जाता है। हाँ मगर हम उसको प्रार्थना करने के हैं सिद्धार्थ भगवान इनको शांति रहे ऐसी कृपा। लेकिन उस समय पे ऐसा हो ही जाता है। हाँ मगर बाद में सुधार लेने का तो उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं ज्ञान में कर्म बंधन में कोई कर्म बंधन नहीं बढ़ेगा। जय सच्चिद जय सच्चिदानंद। मोनिका मिलवाणी। दीपक भाई आपको और आपके भीतर बैठे हुए शुद्धात्मा को मेरा शश्चित प्रणाम। दीपक भाई मुझे ऐसा कहना था जिस प्रकार मोनिका को दुख आते हैं उसके पूर्व कर्म के अनुसार किसी न किसी निमित्त के द्वारा उसे दुख आते हैं तो क्या हम भी किसी और को दुख देने में निमित्त बनते हैं? कभी हो सकता है हमें उसी के भी प्रतिकोण करने का। हमारे निमित्त से उनको दुख पहुँचा दिल से पश्चाताप लेना है माफ़ी मांगनी है ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति मांगनी है। दीपक भाई दूसरा प्रश्न ऐसा था कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है हम लोग के पास सभी आजकल सुख सुविधा है सोशलाइजेशन नेटवर्क बहुत बढ़ते जाता है तो क्या ये सोशलाइजेशन नेटवर्क हमारे मोक्ष मार्ग पे बाधा बनता है? नहीं नहीं फाइल है फाइल वन का हिसाब है ये सिचुएशन में आया तो संभव से निकाल करेंगे। हम भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं देखो माइक्रोफोन है लाइट है कैमरा है सब है एक फाइल है संभव से निकाल करने का। वैसे इसके कारण काफ़ी नए लोग संपर्क में आते हैं उनसे बातें होती हैं। अगर हमें जागृति रखनी है हमारा ध्येय क्या है हम कैसे मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ करें लफड़े में ना आ जाए जागृति में रहना। दीपक भाई और एक लास्ट प्रश्न था ऐसा था कि फाइल के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए क्या हम भी आपके लिए फाइल्स हैं? नहीं ये फाइल्स अलग है जिसके साथ राग द्वेष है ये तो मोक्ष मार्ग में हेल्प करते हैं एक दूसरे को। तो जिन भी जीवित लोगों से हम मिलते हैं वो हमारे लिए फाइल्स फाइल जिसके साथ राग द्वेष वाले है रास्ते में कितने ही लोग जाते हैं सब फाइल नहीं है। नहीं और किसी के साथ धक्का लग गया तो समझ ले फाइल संभव से निकाल करो राग द्वेष होते हैं वो फाइल समझ आई सब तो घर वाले रिश्तेदार वो सब फाइल हमारे अड़ोसी पड़ोसी। जय सच्चिदानंद। विजय कुमार। जय सच्चिदानंद भाई बोलिए। समय के बारे में थोड़ा बताओ एग्जैक्ट की मत डीप में सामायिक नहीं हो पाता अच्छी तरह। हाँ मगर सुपरफ्लूस भी होता तो है ना। तो सुपरफ्लूस से दोष पूरे गिरते नहीं है और वैसे के वैसे रह जाते हैं। दोष को दोष तो बहुत लेयर्स वाले रहते हैं एक बार प्रतिक्रमण हुआ तो एक लेयर जाएगा अभी सामायिक में देखा तो एक लेयर जाएगा मगर टाइम लगेगा। मगर हमें तो सिंपल बात है कि दूसरे को दुख पहुँचाया गया उसके प्रतिक्रमण विजय कुमार से कराना है एक और दोष के मूल कारण क्या है जरा चेक करना है कि वे मान है या लोभ है या मोह है मनमानी करनी है कुछ आग्रह है अभिप्राय है चेक करेंगे और थोड़ा सा दो पाँच मिनट निकालेंगे क्यों ऐसे हुआ पहले इस आदमी के साथ क्या हुआ था वापस ये कभी हुआ आज क्या ऐसे हुआ सब ऐसे धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे वही सामायिक। और नहीं ज़्यादा डीप में गए तो हरकत नहीं मगर आपका ध्यान देंगे तो धीरे धीरे एक एक लेयर कम होते जाएगा। और अगर मतलब हम किसी का दोस्त देखें कि ये छोटा है या मोटा है और उस टाइम ऐसा तो रहता है कि ये शुद्ध आत्मा है और रिलेटिव में मोटा है तो यदि मैं बाद में उसका प्रतिक्रमण ना करूं और एट द मोमेंट ऐसे देख लूं कि शुद्ध आत्मा भी या रिलेटिव में मोटा है तो बाद में क्या उसका सेपरेटली प्रतिक्रमण करना पड़ेगा कि मैंने इसको मोटा देखा? मगर उसके लिए दोष दृष्टि हुई तो प्रतिक्रमण करने पड़ेंगे दुख पहुँचा तो करने पड़ेंगे। नहीं उसको नहीं पता कि मैंने उसको मोटा कहा उसको पता नहीं है मगर आपके दिल में उसके लिए नेगेटिव हुआ ना। हाँ हाँ तो फिर आपको बोलने का विजय कुमार को प्रतिक्रमण करो मतलब यदि हम अपने से विजय को सेपरेट रखें सेपरेट रखें सेपरेट रख कर किसी का दोष देखें तो प्रतिक्रमण विजय कुमार के पास कराना तो भी प्रतिक्रमण कराना पड़ेगा करना ही चाहिए। हाँ नॉर्मल व्यवहार है आइए बैठिए जाइए ठीक है मोटा आया इधर तो फिर नेगेटिव हुआ तो प्रतिक्रमण करो जो भाव बिगड़े शुद्धात्मा नहीं देखा और रिलेटिव में कुछ प्रकृति वशात जो है उसका व्यवहार उसके लिए हमने वो हंसी मजाक की तो कुछ भी किया तो प्रतिक्रमण आवश्यक है। और साथ में मैं भाव मतलब वैसा का वैसा ही है थोड़ा सेपरेट है कुछ विजय सेपरेट है और मैं जानने देखने वाला सेपरेट जरूर हूँ तो लेकिन एक मैं भाव जैसा ज्ञान के पहले था वैसा ही अभी भी है मैं भाव तो मैं रहने दो ना वो तो डिस्चार्ज है फल देके चले जाएगा दोष का उदय आएगा वो भी जाएगा और खुद मैं भी डिसॉल्व होते जाएगा डिस्चार्ज में है ना। हम अभी जागृति में आ गए मगर डिस्चार्ज अहंकार तो है वो फल देके जाएगा
वही अहंकार से किसी को दुख पहुंचा उसके हम प्रतिक्रमण करवाते हैं। तो वो अहंकार कब डिजॉल्व होगा? वो कर्म का उदय भुगतने भोक्तापन का अहंकार तो रहेगा ही रहेगा, कर्तापन का अहंकार चलेगा, भोक्तापन वाला रहेगा और वो डिस्चार्ज अहंकार है। वो फल उदय कर्म भुगतेगा भी और उदय कर्म भी खत्म होएगा और फल भी खत्म होएगा और अहंकार भी खत्म होएगा, धीरे धीरे जाएगा वो तो जीवन का लास्ट श्वास तक रहेगा। वो तो डिस्चार्ज अहंकार खत्म हुआ मतलब जानने और देखने वाले को ऐसा रहेगा कि कोई मैं है साथ में। किसको? जानने वाले मतलब फाइल वन में मैं रहेगा। वो तो वो नहीं है और आप ज्ञाता हो, उसको देखने का जानने का और दूसरे को दुख पहुंचाए तो प्रतिक्रमण कराने का। अभी यही पुरुषार्थ में रहेंगे, आगे की स्टेज में सुबह से लेकर रात तक मन में क्या विचार आते हैं, वाणी किसके साथ क्या बोला जाती है, वर्तन किस प्रकार हो जाता है, बुद्धि क्या बताती है, चित कहाँ जाता है, अहंकार क्या सफरिंग भुगतता है, सबको जानना है जुदा रखेगा। वो आगे की स्टेज की सामायिक में ऐसे करेंगे। सिर्फ विचार को ही जानो तो बहुत, एक घंटे में तो 50-100-200 विचार आ जाते हैं, याद ही नहीं हमें, ख्याल में नहीं किसके लिए क्या, ऐसे देखते हैं नज़र पड़ी कितने विचार आ जाते हैं 2-5। तो ये उसके ऊपर जागृति रखनी है, ये तो तन्मय आकार हो जाते हैं हम धीरे धीरे जागृति। पर हम वो दूसरे स्टेज की सामायिक है, फर्स्ट स्टेज की सामायिक तो किसी को दुख पहुंचाया, किसी को नुकसान किया, किसी के प्रति भाव बिगाड़े, विकारी भाव हुए, सबके प्रतिक्रमण करें, वही पहले करेंगे। क्योंकि दोष खत्म होने के बाद आगे की जागृति में हमें ज्ञाता दृष्टा एग्जैक्ट रहने का है।